मध्य प्रदेश में तीसरी बड़ी पार्टी बनने की कोशिश में सपा। अखिलेश यादव लगातार बहा रहे पसीना। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में कोई बड़ी राजनीतिक जमीन नहीं है, फिर भी वह यहां हो रहे चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बाद तीसरी बड़ी पार्टी बनने का सपना संजोए हुए है। सपा मुखिया अखिलेश यादव यहां लगातार पसीना बहा रहे हैं। सपा की रणनीति यहां कांग्रेस की उंगली पकड़कर खुद को मजबूत करने की थी, लेकिन एन मौके पर कांग्रेस ने सीटें ना देकर सपा के मंसूबे में पानी फेर दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है, लेकिन सपा भी अपने को इस मुकाबले में शामिल दिखा रही है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि मध्य प्रदेश में सपा का असर बीजेपी और कांग्रेस जितना नहीं है, लेकिन पार्टी बसपा के बाद चौथी ताकत जरूर रही है। बुंदेलखंड, खास तौर पर उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में पार्टी का वोट बैंक है। सपा ने सबसे अच्छा प्रदर्शन 2003 के चुनाव में किया था, जब उसके साथ विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। सपा का विंध्य और बुंदेलखंड में वर्चस्व। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि सपा यूपी की सीमा से सटे विंध्य और बुंदेलखंड में अपना वर्चस्व रखती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में ही 26 सीटें हैं। ये बेल्ट इटावा से लगा हुआ है। भिंड और चंबल संभाग में सपा का कुछ असर है। चुनावी आंकड़ों की माने तो 2018 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत से दूर रह गई थी। ऐसे में कांग्रेस ने बसपा और सपा विधायकों के सहयोग से सरकार बनाई थी। पिछले चुनाव में सपा को सीट के साथ 1.30% वोट हासिल हुआ था। वहीं समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सपा को सीटें ना देकर पार्टी की उपेक्षा की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्रकारों से राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बड़ी बेरुखी से बोलते हुए कहा, अरे भाई छोड़ो अखिलेश वखिलेश, यह बात तो ऐसी हुई कि जैसे वह सपा मुखिया को जानते ही ना हो, जबकि सच यह है कि कांग्रेस ने हमारे कारण कई बार अपनी सरकार बचाई है। पिछले चुनाव में सपा को मिले थे 1.30% वोट। नेता ने बताया कि अब ऐसे शब्दों का प्रयोग पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चुभ गया है, इसलिए ठाना गया है कि हमारी ऐसी सीटें जो यहां पर सरकार बनाने और बिगाड़ने के दम रखती हो, हम बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरी बड़ी ताकत बनना चाहते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर सपा मुखिया मैदान में उतरे हैं। वो अपनी बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सपा को भरपूर प्यार भी मिल रहा है। उन्होंने बताया कि अगर पिछले चुनावों पर नजर डालें तो सपा भले ही 1.30% वोट शेयर के साथ एक सीट जीत सकी थी, लेकिन 5 सीटों पर दूसरे और 4 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही थी। सपा को कई सीटों पर जीत हार के अंतर से अधिक वोट मिले थे। अब तक लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।